दोस्तों आज हम हाजिर हैं लेकर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश के लिए दिया। राजपूताना राइफल के दिग्गज जिन्होंने लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा में अनेक बार कश्मीर में पदस्थ रहे। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल कावलजीत सिंह यानी कि टाइनी ढिल्लो की। टाइनी ढिल्लो PVSM, UYSM, YSM, VSM भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जनरल अधिकारी और IIT मंडी के बोर्ड ऑफ जनरल के अध्यक्ष हैं और IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष हैं। ढिल्लो ने आखिरी बार 9 मार्च 2020 से 31 जनवरी 2022 तक CDS के तहत महानिर्देशक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। इससे पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट से पद ग्रहण करते हुए XV कोर के 48वें कमांडर के रूप में कार्य किया। ढिल्लो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खंडक वासलस और भारतीय सेना अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। ढिल्लो को दिसंबर 1983 में राजपूताना राइफल की 4th बटालियन में नियुक्त किया गया था। उनका 39 साल का शानदार सैन्य करियर रहा। उन्होंने सेना मुख्यालय में महत्वपूर्ण नियुक्तियों और इन्फेंट्री स्कूल महू और विदेश में भारतीय सेना प्रशिक्षण टीम निर्देशनात्मक नियुक्तियों का क्षेत्र ढिल्लो को जाता है। निर्देशनात्मक नियुक्तियों का श्रेय ढिल्लो को जाता है। टाइनी ढिल्लो को जम्मू कश्मीर की गहरी समझ है क्योंकि उन्होंने 1988 से 5 कार्यालय तक सेवा की जिसमें राष्ट्रीय राइफल के सेक्टर कमांडर चिन्नार कौर के रूप में कार्य संभालने से पहले जनरल ऑफिसर महानिदेशक परिपेक्ष योजना की नियुक्ति का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्हें 21 सितंबर 2019 को राजपूताना राइफल के रेजिमेंट के कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया था जब उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण से पद संभाला था। वे 31 जनवरी 2022 को अपने उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल CP करियप्पा को राजपूताना राइफल के रेजिमेंट के कर्नल के रूप में शासन सौंपते हुए सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। तो दोस्तों अगर आप KJS ढिल्लो के जीवन से जुड़े अनसुने किस्सों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कितने गाजी आए कितने गाजी गए। इस किताब को खुद लेफ्टिनेंट जनरल कावलजीत सिंह टाइनी ढिल्लो ने लिखा है। यह किताब सेना के दिग्गज के अपने जीवन की सच्ची कहानी को सामने लाती है। यह सेना के एक सैनिक के निजी पेशेवर और पारिवारिक जीवन पर केंद्रित है जो उन चुनौतियों और संघर्षों की जानकारी देती है जिसका सामना सैनिक और उनके परिजन करते हैं। बेहद रोचक यह किताब सेना में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को भी प्रेरित करती है। यह किताब सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका इस किताब से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई किताब एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।